दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले फिल्म ब्रह्मास्त्र के छठे दिन के कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अभी तक इसने 5 दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर चुकी है। कलेक्शन से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों पहले बात करते फिल्म ब्रह्मास्त्र के सभी भाषा में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस कलेक्शन के बारे में। फिल्म ने पहले दिन 36.42 करोड़ का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 42.41 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने तीसरे दिन 45.66 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने चौथे दिन 16 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया और अपने पांचवे दिन 12 करोड़ 68 लाख का कलेक्शन किया और आज अपने छठे दिन 11 करोड़ तक का कलेक्शन कर लेगी। टोटल बॉक्स ऑफिस पर इसमें जो ग्रॉस कलेक्शन आ रहा है वो है 170 करोड़ के करीब। फिल्म की शुरुआत तो काफी अच्छी थी और सैटरडे संडे को इसकी ऑक्यूपेंसी में काफी ज्यादा उछाल भी देखने को मिला, लेकिन मंडे से कलेक्शन में कमी आ गई क्योंकि लोग सिनेमा का कम ही रुक करते हैं ऐसे वर्किंग डेज में, लेकिन सैटरडे संडे इसे इसके कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली, दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने 160 करोड़ का कलेक्शन किया और तीसरे दिन 225 से 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और आज छठे दिन इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 280 से 300 करोड़ तक का हो जाएगा। आपको बता दें कि 410 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को काफी ज्यादा बॉयकॉट की मांग की गई, लेकिन इससे फिल्म के कलेक्शन पर कोई असर नहीं हुआ। फिल्म कलेक्शन के मामले में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसी हफ्ते में शायद अपने पूरे बजट को भी एकदम आराम से रिकवर कर लेगी। आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।